अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कवि खान एंड दिस इज माय ऑफिशियल चैनल शॉर्ट टाइम लर्निंग। और आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक फ्रीलांसर वेबसाइट अपवर्क को लेके। अपवर्क में काफी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो अभी काम करना चाहते हैं वो इस एक चीज को लेके बहुत परेशान है, वो ये कि प्रोफाइल हम कैसे बनाएं। अगर प्रोफाइल बना भी लेते हैं तो उसके अंदर प्रोफाइल को अप्रूव कैसे करें। वहाँ के कुछ बहुत ही सख्त किस्म के टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनको हम ईजिली सॉल्व करके आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम ईजिली वहाँ पे अपना साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने के साथ रजिस्ट्रेशन और प्लस आपका अकाउंट भी अप्रूव करवाऊंगा लाइव। एक अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जिसको मैं आपको अप्रूव करवा के दिखाऊंगा, पूरी रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ए से लेकर जेड तक का। बट सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करना जो कि वीडियो में आपको दिखेगा, बट अगर साथ नहीं है आप मेरे एंड तक तो आपको पता चल सकता है किस तरीके से हम अकाउंट बना के रजिस्ट्रेशन अप्रूव करवाएंगे। आप चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। बड़े से पहले मेरे जाने वाले लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे जाने वाले लोग मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चेक करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फैलाओ ताकि सबको पता चल सके। आप चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। यस फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और ये वर्क अप वेबसाइट का एक पेज ओपन है जो कि रजिस्ट्रेशन पेज कहलाएगा, जहाँ गूगल पर जाके आपको www.workup.com लिखना होगा। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये इसका ओपनिंग वेबसाइट, इसका इंटरफेस वेबसाइट का कुछ इस तरीके का है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह हम किसी भी साइन अप पे क्लिक करते हैं, साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि सपोज मैं डाल देता हूँ तैमूर और मैं लास्ट नेम में डाल देता हूँ गोंदल। हाँ, गोंदल। और उसके बाद अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा। और ईमेल एड्रेस डालने के बाद हम लोगों को गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री के बाद आपका पासवर्ड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये दो ऑप्शन है, आई वांट टू हैव अ वर्क अ प्रोजेक्ट या वर्क एज अ फ्रीलांसर। तो हम फ्रीलांसर पे क्लिक करने के बाद कोई भी यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं गोंडल जी क्रिएट कर देता हूँ। और उसके बाद ये कुछ अल्फाबेटिकल कुछ आंसर्स होंगे, ये हमें देख के उसको लिखना होगा। फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे। जब देख सकते हैं कि यूज़र नेम ऑलरेडी यूज्ड है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं कोई और यूज़र नेम अपना सेलेक्ट करता हूँ, गोंडो तैमूर सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप देखिएगा कि ये भी यूज़र नेम कहीं किसी ने लिया हुआ तो नहीं है, बट नहीं, ये स्कूल हाई स्कूल है। अब आप ये देख सकते हैं रिजेक्टिंग योर। अब हमारी रजिस्ट्रेशन एक तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली हो चुकी है, बट सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है, वर्क अविल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। मतलब कहने का ये है कि इस रजिस्ट्रेशन में आप सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं। अब ईमेल से आप वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए आपको उस ईमेल एड्रेस पर जाना होगा अपने, और जो ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा उसके ऊपर एक ईमेल आई होगी। उस ईमेल से आप वेरीफाई करेंगे अपने आपको कि हाँ, इस अकाउंट पर जो ईमेल है वो उससे कंसर्न आप ही हैं। फिर उसके बाद हम जहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारी कुछ सेटिंग्स हैं, टेल अबाउट योर सर्विस, आप क्या सर्विस देना चाहते हैं। कोई भी सर्विस जो आपको आती है आप वो डालिएगा। जैसे कि मैं बनाने के लिए यहाँ पे वेब एंड मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पे मैं अपना क्लिक करूँगा, या डिज़ाइनिंग क्रिएटिंग या डिज़ाइन एंड क्रिएटिव पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कुछ छोटी मोटी आती है। और मेरा ऑफर कलेक्टिंग में यहाँ पे लोगो हैं, अपने हैशटैग लगाने हैं जो भी यहाँ डाल देंगे। उसके बाद एंट्री लेवल है, अगर एक्सपर्ट है एंट्री लेवल पे क्लिक करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। बट मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ वही स्किल्स डालेगा जो आपको आते हैं, यहाँ पे बिना स्किल्स के किसी का भी कोई काम नहीं बनता। अब यहाँ पे ऐड अ फोटो पे आके मैं किसी भी बंदे की फोटो लेके यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि एक डेमो प्रोफाइल है, बंदे की प्रोफाइल में फोटो डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ प्रोफेशनल टाइटल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लोगो एंड ब्रांडिंग डिजाइनिंग एक्सपर्ट यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे हैशटैग में। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड वगैरह, बिजनेस कार्ड, लोगो एक्सपर्ट, कुछ भी एक्सपर्ट, जो भी हम डालना चाहें अपनी मर्जी है। लोगो डिजाइनिंग एक्सपर्ट डाल देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सब चीज़ें आपको करनी है तो लिहाजा आप लोग रखिएगा। और बट यहाँ पे एक पेमेंट मेथड है, ये हॉर्ली रेट जो होंगे आपके, हॉर्ली मतलब एक घंटे में आप कितना पिक करेंगे, कितने अमाउंट आप चार्ज करते हैं, वही सब चीज़ें लिखने के बाद। एट योर वेरिएबल लोकेशन, आप कितने हफ्ते के अंदर कितने दिन काम दे सकते हैं, 30 घंटे दे सकते हैं, तो आप 30 आवर्स पर लिखकर अपना कंप्लीट एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड फ़ोन नंबर डालने के बाद रिव्यू एप्लीकेशन कर देंगे। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने फिलअप नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने छोड़ दिया कि आप लोगों का टाइम गया ना हो, इन सब चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं स्किप करके फिलअप करता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मांगेगा, इसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। और ये सब चीज़ें आपको अपने लिहाज से डालनी होगी, मैं डालूंगा, मेरी वाली आप नहीं डाल सकते।
और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल जो है ना अनअप्रूव हो गई है, कि अप्रूव नहीं हुई है और ये अप्रूव हो नहीं गई है। इन्होंने 24 आवर का टाइम मांगा है कि 24 घंटे तक हमारे जो भी हैं उसको रिमोट किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा, तो ये सब की चीज़ें दिखाई जाएंगी। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है कमाल सर नाम है उनका, लाहौर से इनका ब्लॉग है, इनकी भी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हुई थी। अब इनकी प्रोफाइल पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया जिसको मैं आपको एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा ऑनलाइन कि किस तरीके से इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और ये फ्रीलांसर का हिस्सा बन जाएंगी वर्कअप में। इनकी सेटिंग में जाके कुछ चेंजिंग करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी यूज़र आईडी, ईमेल्स वगैरह डाली हुई है, पाकिस्तान, टाइम टाइटल, अपना एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी डाली हुई हैं। हमें ये सब में कुछ चेंजिंग करनी है, बट इनकी चेंजिंग नहीं करनी, उसके लिए एंड तक आप साथ रहेंगे, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्या चेंजिंग करनी है और उन चेंजिंग से आप यहाँ पर फ्रीलांसर में अपने आप को अपडेट करवा देंगे और आप रजिस्ट्रेशन आपकी सक्सेसफुली एक्सेस हो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आप सबसे ज़रूरी कि माय प्रोफाइल में आपकी विजिबिलिटी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, पब्लिक होना चाहिए और शो माय फुल नेम होना चाहिए और साथ में प्रोजेक्ट रेफरेंस लॉन्ग टाइम बूथ टाइम एंड लॉन्ग एंड प्रोजेक्ट्स ये भी क्लिक करना चाहिए। उसके बाद इन साहब जी ने हमें डेट लेवल पर किया हुआ था बट हमें एंट्री लेवल पर क्लिक करना होगा। एंट्री लेवल पे क्लिक करने के बाद कुछ इनकी सेटिंग्स है जो मैं चेंज कर रहा हूँ एडिट प्रोफाइल करके, जिससे मैं इनकी फाइल या अप्रूव करवा दूंगा इनका ये अकाउंट। फिर उसके बाद इनकी कैटेगरीज़ को हम एडिट करेंगे, इनकी सारी की सारी कैटेगरीज़ को हम मिटा देंगे, हाँ कुछ और कैटेगरीज डालेंगे, उसके बाद जाके इनका अकाउंट अप्रूव होगा और भी बहुत सारी चेंजिंग है, साथ साथ रहिएगा मैं आपको बताता चलूँगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये SEO मार्केटिंग वगैरह ये सब चीज़ें हम यहाँ से निकाल देंगे और कट करने के बाद यहाँ पर हम ये भी निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं, आप कुछ और नया डालते हैं जैसे कि हम लोग वेब मोबाइल डिज़ाइनिंग। ये एक आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक काफ़ी दिनों तक वर्केबल है और वर्केबल रहेगी, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप स्टार्ट में जब रजिस्ट्रेशन करें तो मोबाइल वेब मोबाइल रिव्यू डेवलपमेंट पर क्लिक करने के बाद आप करें, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड करेंगे इसके थ्रू तो आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद बेशक आप एडिट कर लें, अब उसके बाद एडिट कर दें जो प्रोफेशनल आपको आई चाहता हो, जो आता हो आप उसमें ऐड कर लें। इसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉगर वगैरह इनकी अपनी एडिटिंग वगैरह इसको चेंज करके हम यहाँ पे इनका वो लिख देंगे मोबाइल डेवलपर, मोबाइल डेवलपर में आप रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद एडिट करके अपने प्रोफाइल में कुछ भी डाल दें, आपकी फ़िलहाल मोबाइल डेवलपर पर आपकी मोबाइल अप्रूव हो जाएगी और वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी अमाउंट चेंज करनी है, कम से कम $20 तो आपको डालना है पर आवर, अपने रेट इतने कम में तो नहीं होता, ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर उन्होंने अपने हिसाब से डाले हुए थे, फिर हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे अपने स्किल्स में आके भी चेंजिंग लेकर आएंगे, स्किल्स के अंदर भी जो भी चीज़ें होंगी आपको वेब मोबाइल डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो चीज़ें ऐड करनी होंगी अपने इसमें। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी इनकी आईफोन डेवलपर मिक्सर के लिखना पड़ेगा आईफोन ऐप डेवलपर, जी हाँ आईफोन ऐप डेवलपमेंट ये हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद सेकेंड स्किल्स में अपना मोबाइल UI डिज़ाइनिंग, हाँ ये दो ले लेते हैं और ये दो लेने के बाद हम सेव कर लेंगे। ये सिर्फ टेम्प्रेरी कर रहे हैं ताकि हमारी फिर इसके बाद रिमूव कर देंगे अपनी पुरानी सेटिंग्स को, रिमूव हो जाएगी। इसके बाद ये टेस्ट अगर आपने कोई दिया है तो वो डालें और सर्टिफिकेट वगैरह जो हैं आपके पास वो डालें, आपकी जो भी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, फाइवर वगैरह ये आप सब निकाल दें फिलहाल कि आप फाइवर पर वगैरह काम करते थे, ये सारी चीज़ें निकाल दें, सब रिमूव कर दें, ये बाद में जब अप्रूव हो जाए उसके बाद आप सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये इसको अपने अकाउंट को अप्रूव करवाने के लिए ये सब चीज़ें अपने पास से रिमूव कर लें। और रिमूव करने के बाद आपको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अथर एक्सपीरियंस भी इन्होंने कुछ नहीं डाला होता, फिलहाल आपकी कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा आपकी प्रोफाइल का, सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा सा अबाउट्स होगा और उसके बाद आपकी अमाउंट होगी और काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं और सिर्फ मोबाइल डेवलपर में हम लोगों को करना होगा। अब कुछ इस तरीके का आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल का इंटरफेस हो जाएगा ये सब चीज़ें डालने के बाद। तो अब इसके बाद हमको अब आपको ये दिखाना है कि आपकी लैंग्वेज, अब लैंग्वेज सबसे मेन चीज़ है, लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश लेते हैं तो कन्वर्सेशन नहीं, इसको फ्लुएंट लेनी है, फ्लुएंट लेंगे तो ही जाके हमारा अकाउंट एक्सेस करेगा, क्योंकि आपको पता है फ्लुएंट लैंग्वेज होगी एक्सेंस होगा इतना ही अच्छा होगा। उसके बाद हम रीसबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखते रहिएगा, देखते हैं होता क्या है। अब रीसबमिट में क्लिक करने के बाद रीसबमिट प्रोफाइल के ऊपर यू वांट एडिशनल रिव्यू स्किल्स ये वगैरह इस तरह देगा कि अभी आपका एडिशनल रिव्यू चल रहा है, आप ज़रा सबर कर लें, आपका वेट है 12 घंटे में आपको अप्रूव होगा, बट आपको इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें इससे पहले ही अपना अप्रूव करवाना, तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी फाइंड जॉब के ऊपर, फाइंड वर्क और माई जॉब पर जाके
फाइंड जॉब पे जा फाइंड वर्क पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू वी आर पार्ट ऑफ वर्क ऑफ टिप्स टू गेट स्टार्ट, मतलब आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी और टिप थी जिसको आप फॉलो करते हुए आप वर्कअप पे अपना अकाउंट बना के बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी ट्रिक और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक्स तो बनते हैं। और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि वर्कअप पे आकर प्रोफाइल को एक्सेप्ट किस तरह करवाएं। बहुत ही इजी मेथड है, बट इस मेथड को ही फॉलो करते हुए अगर आप चलेंगे तो ईजिली कोई भी प्रोफाइल अपनी अप्रूव करवा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।